अलिफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलिफ को इंग्लिश में। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद अरशद। और मैं हूं ज़ैनब। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा YouTube चैनल अरशद व्लॉग। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले मेरा आपका सामान भी आ गया। बिस्मिल्लाह। आप किधर जा रहे हैं? देखो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं दरवेश आदमी। या अल्लाह या रहमान या दुआ बेटा इधर आ जाओ, सब्जियां ना खराब करो। जाओ जाने बेटा अपनी बहन को इधर ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बेगम दुआ को उधर से बुला लें, सारी सब्जियां ना खराब कर देंगे। भेजा मैंने जैनब को, बिली आती है। ठीक है ठीक। बिस्मिल्लाह। दुआ आपको शरारतों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता? बेगम मैंने दुआ से पूछा कि आपको शरारतों के अलावा कुछ नहीं सोचता, तो कहती है नहीं। ये बहुत शरारती है दुआ हमारी। क्यों आप इतने शरारती हो बताओ? क्या खाना दुआ ने आज बता दो? गुस्से हो गए इतनी सी बात से? हैं गुस्से हो गए? कोई बात नहीं भाई, लिचिया लिचिया नहीं करते भाई। बहुत शुक्रिया दुआ आपका, बहुत शुक्रिया बेगम। आप भी कोई काम कर ले, देखे दुआ कितना काम कर रही है। मैं भी काम कर रही हूँ, आपकी दुआ कुछ ज्यादा काम कर रही है। मामा जी क्या कहते हैं, आप ज्यादा काम करते हैं मामा से? हाँ जी दुआ, जब आप बड़े हो जाओगे तो मामा के साथ काम करोगे? हाँ जी बेगम कह रही। हाँ जी करूँगी जी माशाल्लाह। बेटा ये लो फुटबॉल खेलो मेरा पुत्र। माशाल्लाह प्याज काट लिया जी। तो हरी मिर्च भी आज आपने काटनी है? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा जी। चले मैं ही काट दूंगा। बेगम आज पता चल जाए किसकी ज्यादा स्पीड है। जी जी कौन ज्यादा काटी काटी करता है। ठीक हो गया। आप क्या कर रहे हो उधर? चीजें समेट रहे मेरा पुत्र। बेटा हाथ में छुरी ना लगा लेना पुत्र। ज़ैनब के पापा जी मदीना शरीफ की कोई बात ही सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारी गाड़ी जब मक्का से बेगम निकली ना मदीना शरीफ के लिए, जी जी, तो जब मदीना के करीब गई ना गाड़ी, तो लोग कहना शुरू हो गए वो देखो मस्जिद नबवी के मीनार। सुभान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर में शर्मिंदा हो रहा था और नजरें चुरा रहा था कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेंगे। सुभान अल्लाह। कहेंगे अरशद तू मेरा उम्मती है और तूने जिंदगी में कितने गुनाह किए और मुझे अपने गुनाह याद आ रहे थे कि मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं आंखें चुरा चुरा के बस मैं अपनी गर्दन नीचे रखी थी मैंने। फिर जब हम होटल में गए ना तो उधर जाकर फिर मैंने मस्जिद नबी के मीनारों को देखा बड़ी हिम्मत करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शर्मिंदा था मैं, बहुत शर्मिंदा। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। आमीन। बस बेगम मुझे ऐसे ही लगता था कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख रहे हैं। जी जी। और वो कह रहे हैं कि वो देखो मेरा गुनाहगार उम्मती आ गया, वो देखो। तो मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। जब उधर कुछ दिन गुजारे ना तो फिर ऐसा लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत प्यार करने लग गए हैं। सुभान अल्लाह। जब आखिरी दिन था हमारा वापस आने का जी। तो यही एहसास था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे करता हूँ। अब जुदाई का टाइम आ गया, बस वो मंजर भी बड़ा अजीब था, एक पहले दिन जाने का जी और एक आखिरी दिन भी जाने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप बनाए आलू? आओ तो हम चले पालक लेने। जी ठीक है। चलो मेरा बेटा जी आपके लिए, और ये आप प्लेट पकड़ लो ठीक है। इसमें पालक लानी है? नहीं नहीं ये जी ये मैं टोकरी में लेके आना है। हम अभी आ जाते हैं। जी जी अच्छा बताएं बेगम किस तरफ से शुरू हो जाऊं मैं? ये बाएं तरफ से काट लें। इधर से? जी जी माशाल्लाह। ये हमारी मैंने खुद पालक लगाई थी इधर, मैंने और मेरी बेगम ने बहुत मेहनत की थी और आज पहली दफा हम यहाँ से पालक ले रहे हैं। बिस्मिल्लाह। आज हमारा पहला दिन है कि हम अपनी पालक इस्तेमाल के लिए यहाँ से ले रहे हैं। माशाल्लाह खुशबू देखें बेगम इसकी, तो खुशबू ऐसी है जैसे माशाल्लाह बहुत प्यारी। देसी घी की है? देसी घी की जी। इधर देसी घी लगाया बेगम, पालक लगाई है हमने। चलो जी दुआ चले अब हैं। ये मामा को दिखाओ कि इतनी पालक बहुत है ना। बेगम ये दुआ आ रही है, देखें जरा इतनी पालक बहुत है।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ जैनब के पापा इतनी पालक बहुत है जी जी। दुआ बहुत काम करती है, अभी छोटी सी है हमारी दुआ, तो बड़ा होके भी काम करेगा। बेगम मैं आता हूँ, सीधा आ जाओ नमक बहुत है इतना जी। मैं आ रही हूँ चिप्स आपकी है फाइल गर्म होने के। चलो यार मोहम्मद इधर आओ, उधर बैठ फल को बहनों के साथ ठीक है, तो चिप्स बनेंगी तो आएगी ना, लुचियां करने की क्या जरूरत है। बिस्मिल्लाह जी बेगम, अल्लाह का नाम ले लें आप भी। बिस्मिल्लाह मैं आपको छिलका उतार के दूंगा उधर। ऐसे उतार लेते हैं आजकल, मैं कह रहे थे आप किस हिसाब से ले आऊं जी। हाथ पार में माशाल्लाह तैयार हो रही है जी। सबसे पहले मैंने खानी जी जरूर, सबसे बड़ा मैं हूं ठीक है। रेडी हो जाओ मेरा पुत्र जल्दी से, फल खा लिया। चलो मेरा बेटा सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ जी। दो आपकी चिप्स है गर्मा गर्म, मेरा पुत्र ध्यान से हाथ लगाना, मैं आपकी कैचअप और जूस भी लेके आ रहा हूँ। बहुत जी जी बहुत काफी है। ये लो मेरा बेटा कैचअप भी आपकी ठीक है, खाओ मेरा पुत्र शुरू करो। एक मैं खा लो है, मामा को खिला दूंगा आपको। जी जी शुक्रिया। चलो जी बिस्मिल्लाह करके दुआ का जूस भी आ गया और मुहम्मद का भी आ गया और ये स्ट्रा भी लग गया मेरे बेटे का। चलो जी जन्मदानी आपका भी आ गया, खाओ मेरा बेटा। अच्छा भैया आप क्या कह रहे थे, मैं पकौड़े का सामान तैयार कर। जी जी पकौड़े का सामान तो इस तरह पड़ा हुआ है, जल्दी खा लो नहीं तो सब कुछ मक्खियां खा जाएंगी। अच्छा हाँ जी उनका भी तो ही साथ है ना इसमें, जूस भी पियो ना साथ, जूस वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है उधर ही। ओए हजरत आप इधर क्या आए, उधर बैठो मैं आ रहा हूँ उधर लेके आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करके देखना मैं अभी आ जाता हूँ, एक मिनट में जादू करके ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें आप मसाले वगैरह खुद डाल ले जी ठीक है। ये प्याज आपने पकौड़ों के लिए काटा था जी। बिस्मिल्लाह ये हाथ चक्की का काम कर रहे हैं जी माशाल्लाह। ये लो कैमरामैन साहब आपकी चिप्स और कैचअप पकड़ ले, देखें चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, शायद सब कोड़ा ठीक है ना। जी जी बिस्मिल्लाह और जलने से बात बस। तो आजा बेगम चलो जल्दी आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। जी जी ले बेगम साथ में फल भी है। ये ले बेगम आपकी प्लेट है पकौड़े की। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, पता चल जाए पहले कौन खत्म करता है जी। ठीक बिस्मिल्लाह, आपको पता ना मुझे पकौड़े नहीं पसंद, आप इसलिए कह रहे हैं। बहुत पसंद है खाने, कोई बात नहीं, बहुत मजेदार अपनी पा देती है माशाल्लाह। जी जी बहुत आप बताए हैं मुझे अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये अनार बता भी देना है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं पोमेग्रेनेट। यस यस, अब आप मुझे बताए ना अलिफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अलिफ को इंग्लिश में, अलिफ को ए कहते होंगे। अलिफ को ए कहते हैं इंग्लिश में। अंगूर भी खाएं, आप खाएं खाएं, काटे ना दोनों खा लेते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, मिल के खा लेते हैं। साथ मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में अल्लाह ताला की किसी और नेमत के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खाएं बेटा जी, छुरी ले लेना काटे खाते हैं जी।